आगे बढ़ते हैं। 22 जनवरी के बाद विपक्ष की पूरी राजनीति बदलने वाली है। 22 जनवरी को रामलला की प्राण प्रतिष्ठा में शामिल होने के लिए विपक्षी दलों को भी न्योता मिला है, लेकिन मुस्लिम वोट बैंक की राजनीति करने वाली सोनिया गांधी, राहुल गांधी, अखिलेश यादव और लेफ्ट पार्टियों के नेता क्या इसमें शामिल होंगे? क्योंकि इन लोगों ने मुस्लिम वोट बैंक के लिए भगवान राम के अस्तित्व पर ही हमेशा से सवाल उठाए, इसका फायदा भी नहीं मिले। यूपी में मुस्लिमों ने कभी कांग्रेस तो कभी समाजवादी पार्टी की सरकार को बनवाया। मुस्लिम इनके कोर वोटर्स माने जाते हैं, लेकिन जैसे ही बीजेपी का उदय हुआ हिंदुओं का वोट बीजेपी की तरफ शिफ्ट हो गया। केंद्र के साथ कई राज्यों से कांग्रेस और क्षेत्रीय पार्टियों की विदाई। अब सवाल ऐसे में यह है कि क्या कांग्रेस, समाजवादी पार्टी, लेफ्ट और दूसरे विपक्षी दल के नेता रामलला की प्राण प्रतिष्ठा में शामिल होंगे, और अगर शामिल होते हैं तो इसका इन्हें फायदा होगा या नुकसान, ये समझिए इस रिपोर्ट से। रामलला की प्राण प्रतिष्ठा में शामिल होंगे विपक्ष के नेता। मुस्लिम हितैषी विपक्ष को 2024 में फायदा होगा या नुकसान? 22 जनवरी के बाद बदल जाएगी 2024 की वोट पॉलिटिक्स। बाईस जनवरी को जब प्रधानमंत्री मोदी रामलला की प्राण प्रतिष्ठा करेंगे तो सोचिए क्या तस्वीर होगी। बाईस जनवरी को रामलला की प्राण प्रतिष्ठा स्थल कुछ इस तरह से दिखेगी। मंडप में पूजा की वेदी पर प्रधानमंत्री मोदी बैठे होंगे और यजमान मोदी का गेस्ट समूचा विपक्ष होगा। 22 जनवरी को कुछ इस तरह की ही तस्वीर होगी। जानकी जी की, श्री अवध धाम की, श्री षडजू महारानी की, श्री राम जन्मभूमि की, राम के दरबार में हर किसी का स्वागत। 22 जनवरी को तो मंदिर के लिए आंदोलन करने वाले, प्राणों की आहुति देने वालों के परिजन, नेता और संगठन के लोग तो मौजूद ही रहेंगे, साथ में विपक्ष के नेता भी रहेंगे। कांग्रेस अपने शासन काल में भगवान राम के वजूद को पहले ही नकार चुकी। अखिलेश यादव की पार्टी समाजवादी की सरकार के दौरान ही 1990 में कार सेवकों पर गोलियां चली थी। ममता बनर्जी भी प्रो मुस्लिम पॉलिटिक्स करती है। लेफ्ट के नेता भी मुस्लिमों के वोट के लिए राम के अस्तित्व पर सवाल उठा चुके हैं, लेकिन 22 जनवरी को ये तमाम नेता अयोध्या में होंगे, भगवान रामलला की प्राण प्रतिष्ठा समारोह में शामिल होंगे। हम देश के 10 करोड़ लोगों के घर में जाएंगे, उनको राम मंदिर का पूजित हल्दी चावल देंगे, न्योता देंगे, कार्यक्रम देखना, अपने मोहल्ले के मंदिर में देखना, और हमने स्पष्ट सूचना दी है इस बार हम मांगने नहीं जा रहे, निमंत्रण देने जा रहे, हल्दी चावल देने जा रहे। बीजेपी प्रो हिंदू पार्टी है और हिंदुत्व की राजनीति खुलकर करती है, लेकिन कांग्रेस का वोट बैंक हिंदुओं के अलावा मुसलमान भी है। यूपी में अखिलेश भी मुस्लिम वोट बैंक की राजनीति करते हैं और एमवाई के दम पर ही कई बार सरकार भी बन चुकी है। बंगाल में ममता बनर्जी का भी एक बड़ा मुस्लिम वोट बैंक है। चौबीस में आम चुनाव है और राम मंदिर का निर्माण हो चुका है, तो हर कोई खुद को हिंदू हितैषी साबित करने पर तुला है। बीजेपी से हिंदुओं का वोट छीनने की कोशिश में है, लेकिन इन्हें मुस्लिम वोट भी चाहिए। यही कारण है कि कोई भी खुलकर हिंदू और हिंदुत्व की राजनीति से बच रहा है। सवाल यह कि क्या विपक्षी दल के नेता रामलला की प्राण प्रतिष्ठा में शामिल होंगे, और अगर शामिल होते हैं तो उन्हें 2024 में फायदा होगा या नुकसान? क्या मुस्लिमों का उनके ऊपर से भरोसा उठेगा?
हिंदू और मुस्लिम वोट का पूरा गुणा गणित बताएंगे, लेकिन उससे पहले ये जान लीजिए कि हिंदू और हिंदुत्व की राजनीति करने वाली बीजेपी को 2014 और 2019 के लोकसभा चुनाव में कितने वोट मिले थे। 2014 की लोकसभा चुनाव में बीजेपी गठबंधन यानी एनडीए को 43% हिंदुओं ने वोट दिया था, जबकि 2019 में यह आंकड़ा बढ़कर 52% पहुंच गया। यानी 5 साल में मोदी के 9% हिंदू वोटर बढ़ गए, जो 2024 में रामलला की प्राण प्रतिष्ठा के बाद 60% तक जा सकता है। यानी बीजेपी को सिर्फ फायदा ही हुआ है, जबकि कांग्रेस समेत पूरे विपक्ष को नुकसान हुआ है, और विपक्ष इस नुकसान की भरपाई के लिए नया वोटर तलाश रहा है। लेकिन सवाल यह है कि मुस्लिम वोट बैंक की राजनीति करने वालों को 2024 में कितना फायदा होगा? क्या मुस्लिमों को विपक्ष की हिंदूवादी राजनीति पसंद आएगी, या फिर मुस्लिम ओवैसी जैसे पक्के मुस्लिम हितैषी की तरफ रुख करेंगे? सोनिया गांधी हो या फिर अखिलेश, ममता बनर्जी, कोई भी मुस्लिमों को नाराज करना नहीं चाहता है, लेकिन इन्हें वोट हिंदुओं का भी चाहिए, और इसके लिए कभी ये मुस्लिम टोपी पहनते हैं तो कभी मुस्लिमों के जलसा में शिरकत करते हैं, तो हिंदुत्व को लुभाने के लिए चुनावी सीजन में मंदिर मंदिर घूमने लगते हैं। ये नेता मुस्लिम पॉलिटिक्स तो खुलकर करते हैं, लेकिन हिंदुओं को लुभाने के लिए सॉफ्ट हिंदुत्व का रास्ता अपनाते हैं। यानी इनकी कुर्सी मुस्लिमों के वोट बैंक पर टिकी है, और अगर मुस्लिम नाराज हुए तो फिर इनका अस्तित्व खत्म हो सकता है। देश में करीब 17% मुस्लिम है, इनमें सबसे ज्यादा मुस्लिम देश के 4 राज्यों में है। असम में 34%, केरल में 26.6%, बंगाल में 27% और यूपी में 20% मुसलमान है। चुनाव चाहे 2014 का हो या फिर 2019 का, बीजेपी को फायदा ही हुआ है। बीजेपी को हिंदुओं के वोट तो मिले, साथ ही मुस्लिमों का भरोसा भी मोदी पर बढ़ा है। 2009 में कांग्रेस को मुस्लिमों का वोट 38% मिला था, जबकि बीजेपी को सिर्फ 4% मुस्लिम वोट दिए थे। 2014 में भी कांग्रेस को 38% ही वोट मिला था, जबकि बीजेपी को 8% मुस्लिमों ने वोट दिया। 2019 में कांग्रेस से मुस्लिमों का मोह भंग हो गया और सिर्फ 33% वोट मुस्लिमों का कांग्रेस को मिला, जबकि बीजेपी अपने पुराने रिकॉर्ड को दोहराने में कामयाब रही। और इसलिए सवाल उठ रहा है कि रामलला के प्राण प्रतिष्ठा में शामिल होने वाले दलों के प्रति क्या मुस्लिमों का नैरेटिव बदलेगा, क्या मुस्लिमों का भरोसा कम होगा, और इसका फायदा AIMIM जैसे पार्टियों को मिलेगा? साल 2014 के चुनाव हो या फिर साल 2019 के चुनाव, हिंदुओं का भरपूर वोट बीजेपी यानी कि मोदी को मिला है, और इस बात को मुस्लिम कैंडिडेट्स भी और मुस्लिम मतदाता भी अच्छी तरीके से जानते हैं। यही वजह है कि बीजेपी का विरोध करने वाली कोई भी पार्टी हो, चाहे वो कांग्रेस पार्टी हो, समाजवादी पार्टी हो, या फिर पश्चिम बंगाल में TMC हो, सभी नेता भारतीय जनता पार्टी की हिंदुत्ववादी नीति का खुलेआम विरोध करते हैं। यही वजह है कि ये सारे नेता मंदिर पॉलिटिक्स से दूर और मुस्लिम पॉलिटिक्स में इन रहते हैं। लेकिन ऐसे में 2024 के प्राण प्रतिष्ठा के कार्यक्रम में अगर ये विपक्षी नेता शामिल होते हैं तो कहीं ना कहीं 2024 के लोकसभा चुनाव से ठीक पहले मुस्लिम मतदाताओं का मन इनसे भी भंग हो सकता है। अब ये भी समझ लीजिए कि 2019 के लोकसभा चुनाव में मुस्लिमों ने कांग्रेस और क्षेत्रीय पार्टियों को कितना वोट दिया। यूपी में समाजवादी पार्टी और कांग्रेस को मुस्लिमों के 65% वोट मिले। मायावती की पार्टी को 19% मुस्लिमों ने वोट दिया। बिहार में महागठबंधन को सबसे अधिक 75% मुस्लिमों ने वोट दिया। कर्नाटक और महाराष्ट्र में भी कांग्रेस की मुस्लिम वोट बैंक पर अच्छी पकड़ रही। इन दोनों राज्यों में कांग्रेस को 68% वोट हासिल हुए, जबकि गुजरात में 46% मुस्लिमों ने कांग्रेस को वोट दिया था। हालांकि जिन राज्यों में बीजेपी और कांग्रेस के बीच सीधी टक्कर थी, वहां 2019 के आम चुनाव में मुस्लिमों ने बीजेपी को अधिक वोट दिए थे। मध्य प्रदेश, राजस्थान, गुजरात, हिमाचल प्रदेश और छत्तीसगढ़ में 15-20% मुस्लिम वोट बीजेपी को मिले थे। यूपी में लोकसभा की 80 सीटों का होना और 2024 में होने वाले लोकसभा चुनाव से पहले राम मंदिर में रामलला की प्राण प्रतिष्ठा का होना, ये महज इत्तेफाक नहीं है, बल्कि इससे पूरे वोट पॉलिटिक्स का नर्व जुड़ा हुआ है।
यूपी में लोकसभा के 80 में से 36 सीटों पर मुस्लिम हार जीत का फैसला करते हैं। 18 सीटों पर 20-30% मुस्लिम है, 12 सीटों पर 30-40% मुसलमान है, जबकि 6 सीटों पर 40-50% मुस्लिम है। अब 2014 और 2019 के नतीजे को भी देख लीजिए। 2014 में 42.3% वोट शेयर के साथ बीजेपी को 71 सीटें मिली थी, जबकि समाजवादी पार्टी को 22.2% वोट के साथ 5 सीटें, कांग्रेस को 7.5% वोट शेयर के साथ 2 सीटों पर जीत मिली थी, अपना दल को 1% वोट के साथ 2 सीटें मिली थी। वहीं 2019 में 50% वोट शेयर के साथ बीजेपी को 62 सीटें मिली, 19.43% वोट के साथ बीएसपी को 10 सीटें मिली थी, जबकि 18.11% वोट शेयर के साथ समाजवादी पार्टी 5 सीटें जीतने में कामयाब रही थी। तो वहीं कांग्रेस को 6.36% वोट के साथ 2019 में सिर्फ 1 सीट पर जीत मिली थी। बीजेपी के हिंदुत्व की राजनीति के सामने यूपी में अखिलेश का MY समीकरण ध्वस्त हो चुका है, लेकिन इसके बावजूद अखिलेश मुस्लिम वोट बैंक का मोह नहीं छोड़ पा रहे हैं, क्योंकि मुस्लिम अखिलेश के कोर वोटर्स हैं। लेकिन अखिलेश के लिए स्टैंड बदलना काफी मुश्किल, क्योंकि समाजवादी पार्टी 1990 में कार सेवकों पर गोली चलाने की घटना का श्रेय लेकर ही मुस्लिमों को अपने पाले में बनाए हुए रखी। अखिलेश यादव को डर है कि कहीं सॉफ्ट हिंदुत्व के रास्ते पर चलने से कोर मुस्लिम वोटर्स भी हाथ से न निकल जाए। क्योंकि 2022 के यूपी विधानसभा चुनाव में समाजवादी पार्टी के 34 मुस्लिम विधायक चुनकर आए, 2024 में अखिलेश करीब 10 सीटों पर मुस्लिम वोट बैंक के दम पर जीत की हुंकार भर रहे हैं। समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव की राजनीति भी मुसलमानों के इर्द गिर्द ही घूमती हुई नजर आती है। ऐसे में सवाल ये उठ रहा है कि क्या अखिलेश यादव भी प्राण प्रतिष्ठा के कार्यक्रम में जाने की योजना बना रहे हैं।